एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको अच्छे से मार्क करने हैं बेयर एक्ट, दे आर बोल्ड, राइट? रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग. तो दोस्तों, जो यहां पर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो सबसेक्शन वन है, इसमें क्या है, बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कॉग्निजेबल, ठीक है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ओरली है या राइटिंग में है, इसको क्या करेंगे, टू बी रिड्यूस्ड इन टू राइटिंग. जो बात कर रहा है, सबसेक्शन वन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर दिस डायरेक्शन एंड रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई इन्फॉर्मेंट के, जो इन्फॉर्मेंट ने बताया इन्फॉर्मेशन लिखी गई, उसको हम इन्फॉर्मेंट को बता रहे हैं लिखा क्या है उसमें. एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग, मतलब अगर वो ओरल थी हमने उसको रिड्यूस किया राइटिंग में, तो इन दैट केस क्या होगा, जब उस रिटन फॉर्म में ले आए, इट शैल बी साइंड बाय द पर्सन, राइट? तो दोस्तों, ये जो बारीक बारीक पॉइंट्स है ना, कि कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस 154 प्लस इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, चाहे वो ओरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, उसको हम पढ़ के सुनाएंगे इन्फॉर्मेंट को, वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज फोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर, मतलब उसके जो इंपॉर्टेंट सारा कुछ पॉइंट्स हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, राइट? जो सबसेक्शन टू है, ये बात करता है रिगार्डिंग अ कॉपी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट, ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द विमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326 कैपिटल ए, आईपीसी के ऑफेंसेस दिए हुए हैं, 326 कैपिटल बी, 54 कैपिटल ए बी सी डी एंड 376, अगर ये सारे ऑफेंसेस हैं, इज अलीज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, जैसे कोई भी अटेम्प्ट भी है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी वुमेन ऑफिसर से, राइट? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस इज कंडक्टेड, ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस इज कमिटेड, इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, इज टेम्परेली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ, इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट होम, राइट? दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पे मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको बारीकी से गो थ्रू करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए. अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ इज टेम्परेली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली अगर वो डिसेबल्ड है, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, रेजिडेंट ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी, ठीक है. तो इसी में अगर इंफॉर्मेशन कोई मेंटली डिसेबल्ड है पर्सन या फिर फिजिकली परमानेंटली और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, इन दैट केस वो जो प्लेस है इट कैन बी द रेजिडेंस और एज पर द कन्वीनियंस, ठीक है. द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, ठीक है. तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड. द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ 164 एज सून एज, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम 164 की बात करेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट? तो ये पॉइंट आपको यहां मार्क करने हैं कि ये स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग पूछ लेते हैं,
एग्जामिनेशन में कि जो कॉपी है किसी का राइट बनता है, तो आपको ये प्रोविजन मेंशन करते हुए एक्सप्लेन करना है कहाँ पर गिवन है. कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट. तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं, इट शैल बी रेड, इट शैल बी साइंड, इट शैल बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट, ये सारे सिंगल सिंगल पार्ट अपने को मार्क करने हैं. देखो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जैसे कि 154, 155, 156 इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग. इनमें से इवन अ सिंगल लाइन कैन बी कवर्ड इन द एग्जामिनेशन. तभी मैं बहुत बारीकी से ये सेक्शंस गो थ्रू कर रहा हूँ. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर ऑफिसर इन चार्ज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता, द इंफॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द एसपी कंसर्न्ड हु इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय this code and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence. do to point samjhiye 154 subsection 1 ye batata hai ki information jo hogi record kis tarike se honi hai. agar wo orally hai shall be written, otherwise agar written form mein hai to written hi hai. orally or written shall be reduced to writing aur us pe signature lenge. 154 subsection 2 sirf ye batata hai ki free of cost hum copy kisko de rahe hain, informant ko. 3 ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, अगर ऑफिसर इन चार्ज मना कर देता है इन्फॉर्मेशन लिखने से, तो जो सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर टू सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द एसपी कंसर्न. ठीक है, तो हायर ऑफिशियल्स को सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट. अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जब भी हम ये सेक्शन रीड करते हैं, इट इज टू बी रेड अलोंग विद सेक्शन नंबर 36 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट. तो दोस्तों यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटेंट टू बी टेकन केयर ऑफ अंडर दिस सेक्शन. देखो एक तो पहले बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम FIR बोलते हैं, यहां पर डायरेक्टली वर्ड FIR यूज नहीं किया, बट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 207 में इसका वर्ड यूज किया गया है कि हम जब कॉपीज प्रोवाइड करते हैं उसमें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है. और 154 की एविडेंशरी वैल्यू क्या है, ठीक है, चाहे विटनेस है, चाहे विक्टिम है, चाहे एक्यूज्ड है, हम इसको क्रोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, राइट. क्रोबोरेट मतलब उसको सपोर्ट करना फैक्ट्स को, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी भी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन करनी कि जो कहा गया वी आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग दोज फैक्ट्स, ठीक है. अब अगर हम विटनेस की बात करते हैं, जब हम दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकती है एज पर एविडेंस एक्ट, क्रोबोरेट भी हो सकती है, और जब हम विक्टिम की बात करते हैं उस केस में क्रोबोरेट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, और विक्टिम के केस में इफ द विक्टिम डाइज, इन दैट केस जो सेक्शन 32 एविडेंस के एक्ट के अंडर, दिस विल बी अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, क्योंकि लॉ में ये बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है क्या, दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है. अब इस केस में एग्जांपल्स है कुछ, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, नहीं, इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन. जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पहला पॉइंट, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है. इंफॉर्मेशन अगर ओरली है शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, डन बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ और अंडर हिज डायरेक्शंस, शैल बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, राइट. तो ये क्या होगा, इट शैल बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, इंफॉर्मेशन इज रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड की गई, इट शैल बी रेड टू द इन्फॉर्मेंट, राइट. सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक, बुक टू बी कैप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म
स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ कि वो किस हिसाब से रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफआईआर अंडर सेक्शन 154 इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। इट्स यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट द मैटर देयर ऑफ, ठीक है। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है।